नमस्कार दोस्तों, आज मैं एफिडेविट के बारे में बात करूंगा। एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने या ना करने के लिए लिखित में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा ही एफिडेविट होती है। इसे हलफनामा या शपथ पत्र भी कहते हैं। यह घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मुख ली जाती है जो विधि द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत है, ऑथोराइज्ड है, जैसे नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर। शपथ पत्र में शपथकर्ता द्वारा बयान में जो कुछ जानकारी दी जाती है वह सही है और उसी पर बयानकर्ता के शपथकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। इस बयान पर नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर अटेस्टेट करते हैं। शपथ पत्र का उपयोग प्रयोग सरकारी विभागों और गैर सरकारी विभागों दोनों में किया जाता है। ओथ एक्ट 1969 के अनुसार यह माना जाता है कि शपथ पत्र में जो भी जानकारी दी गई है, बयान दिया गया है, वह सही है। शपथ पत्र का उपयोग सिर्फ कोर्ट में ही नहीं बल्कि क्वासी जुडिशियल बॉडी और दूसरे ऑथोरिटी में भी की जाती है। इसे अंग्रेजी, हिंदी या अपने राज्य की भाषाओं में बनवाया जा सकता है, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साधारणतया इसे इंग्लिश भाषा में ही दिया जाता है या बनवाया जाता है। हर राज्य के स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम अलग अलग होते हैं, अतः राज्यों में स्टाम्प फीस एक जैसी नहीं होती है। एफिडेविट में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार किया जाता है, पर इसमें वकील की फीस और टाइपिंग वगैरह की फीस अलग ली जाती है। कोर्ट में शपथ लेकर झूठे साक्ष्य देने पर आईपीसी की धारा 191 और 193 के अंदर पनिशेबल होती है, जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा होती है। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी झूठे एफिडेविट देने पर शपथकर्ता के विरुद्ध परिवाद चलाया जा सकता है। अगर कोई एफिडेविट में किसी दूसरे की जगह साइन करता है और इसका गलत इस्तेमाल करता है तो वह आईपीसी की धारा 419 के अंदर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। झूठे गवाह, झूठे साक्ष्य शपथ पत्र के आरोप में सीआरपीसी की धारा 340 के अंदर उसे 7 साल तक की भी सजा दी जा सकती है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर, पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।